अंकिता की रसोई में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आई हूँ नई रेसिपी को लेके। आज मैं बनाऊंगी बटर पनीर। इसे बनाने के लिए चाहिए पनीर 200 ग्राम लिया है मैंने, और इसको नमक और गरम मसाला से मैरिनेट कर चुका हूँ मैं। और चाहिए बटर, दूध, नमक, रिफाइन ऑयल, चीनी, टमाटर, इसे हम उबाल लिया है, 4 टमाटर लिया है, लाल मिर्च, खड़ा मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और लाल मिर्च है, प्याज, आधी लहसुन की पेस्ट, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और आलमंड। सबसे पहले हम टमाटर को जो बॉईल करके रखे थे उसका जो छिलका है हम उतार लेंगे और इसको प्यूरी कर लेंगे, टमाटर प्यूरी तैयार कर लेंगे। देखिए टमाटर प्यूरी कर लिया है मैंने। पैन गरम हो चुका है, हम ऑयल डालेंगे। पनीर को हम फ्राई कर लेंगे, हल्का ही ब्राउन करेंगे, ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए इस तरफ लाल हो चुका है, ब्राउन कलर का हो चुका है, तो हम पलट देंगे, हल्का हल्का करना है। देखिए एक साइड का हो चुका है, निकालेंगे हम। देखिए इतना ही है। हम इसी तेल में ही हम बटर डाल देंगे। आप चाहे तो तेल बिना तेल का भी दूसरा तेल में भी बना सकते हैं बटर डाल के, बटर से भी पूरा बना सकते हैं हम। हम ऑयल को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसी तेल में ही बटर डाल के बना रहे हैं। मसाले थे उसको हम डाल देंगे, लाल मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग जो भी है सब डाल देना है। इसको हल्का 2-3 मिनट हिलाएंगे, चला लेंगे। अब इसे इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। होने तक हम लाल ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन हो जाएगा, 2-3 मिनट तक धीमी आंच में रखना है। तब तक हम ये जो दूध है और जो बादाम है इसका हम प्यूरी बना लेंगे। अब फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें अब क्रीम वाला दूध हम यूज़ कर रहे हैं। करेंगे टेस्ट का हिसाब से डालेंगे, 2 चम्मच डाल दिया, बाद में हम चेक कर लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम आधी लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 3 चम्मच दिया है मैंने। दो तीन मिनट हिला लेंगे, उसके बाद चला लेंगे। उसके बाद हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बटर चिकन में ज़्यादा तीखा नहीं होता है तो थोड़ा सा ही डालेंगे आप। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए। जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच थोड़ा सा डाले हैं मैंने। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब तक हम देखिए जो प्यूरी हम तैयार किए थे उसको हम डाल देंगे। अच्छे से हिला देंगे।
एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, जो मिक्सर में हम ग्राइंड किए थे उसको धो करके और थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। अब 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे उबलने के लिए। देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, हम चीनी ऐड करेंगे। एक चम्मच अब थोड़ा सा डाले हैं, जो ज़्यादा नहीं खाते हैं वो थोड़ा ही डालिएगा, कम डालेंगे। और बादाम का जो प्यूरी बनाए थे उसको हम डाल दिया है, उसमें पानी मिला के थोड़ा सा डाल दिया है, एक्स्ट्रा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। पहले भी टमाटर प्यूरी हम डाले थे उसमें पानी में थोड़ा पानी मिला के उसमें डाल दिए थे। अब 2-3 मिनट के लिए उबालेंगे इसको। हो चुका है, अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे हम। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। दो तीन मिनट तक हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम उतार लेंगे। देखिए पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है, महक भी बहुत अच्छा आ रहा है, स्मेल भी बहुत सुंदर आ रहा है। हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। देखिए बटर पनीर बन के रेडी है। ये वीडियो अगर सबको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।